नाउ रोल ऑफ द फिलोसफर यानी दार्शनिकों का योगदान इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप 18th सेंचुरी इज नोन एज द सेंचुरी ऑफ क्रिटिसिज्म। यूरोप में 18वीं सदी को आलोचना की सदी माना जाता है। इसमें यानी कि बहुत सारी आलोचनाएं हुई। देर वॉज एन इंटेलेक्चुअल रेनेसेंस इन फ्रांस एट दैट टाइम। फ्रांस में इस समय में बहुत ही कला कौशल और मानसिक बुद्धि का विकास हुआ। अ नंबर ऑफ फिलोसफर थिंकर्स एक्सपोज द सोशल शॉर्टकम यानी बहुत सारे दार्शनिकों ने और विचारकों ने सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया। विच फेम द फ्लेम फ्रेंच जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को हवा दी। द अकाउंट ऑफ फिलोसफर हु स्पेडिट द रेवोल्यूशन आर गिवन ब्लो यानी बहुत सारे दार्शनिकों ने क्रांति के कारणों को बताया जो नीचे दिए गए हैं। जैसे द मॉन्टेस्क्यू वॉज ए फेमस एंड ग्रेट फिलोसफर ऑफ हिज टाइम। मॉन्टेस्क्यू अपने समय का एक बहुत ही महान दार्शनिक था। ही वॉज वेमेंट्री अपोज टू डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप। हिज आइडिया गेव इम्पेट्स टू द रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट यानी कि वो राजा के दैवी अधिकारों का विरोध करता था और वो स्वेच्छाचारी शासन के बिल्कुल खिलाफ था। मॉन्टेस्क्यू इनिशिएटेड अ फिलोसफिक मोमेंट एंड स्टार्टेड ए चेन ऑफ क्रिटिसिज्म। और मॉन्टेस्क्यू दार्शनिकों ने आलोचना की चेन शुरू कर दी। उस समय में क्या होता था, आलोचना की जाती थी यानी विरोध किया जाता था। इट वॉज टाइड टू द रूट्स ऑफ एंशियंट राइम इन फ्रांस जो कि पुराना शासन था फ्रांस में। इट स्टूड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो क्या चाहता था कि संविधानीय सरकार आए। ही बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड सप्रेशन ऑफ थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। वो कानून में विश्वास करता था और वो सरकार के तीनों अंगों को अलग रखता था। हिज बुक स्पीड ऑफ लॉ द फ्रेंच सोसाइटी एंड क्रिएटेड एटमोसफियर फॉर द रेवोल्यूशन। अपनी किताब उसमें स्पिरिट ऑफ लॉ में इसने फ्रांस के लोगों को जागृत किया और क्रांति के लिए माहौल बनाया। नाउ वॉलंटियर अटैक द वाइस प्रिवेलिंग इन सोसाइटी एंड चर्च यानी कि वॉलंटियर ने राज्य और चर्च की आलोचना की जो कि निरंकुश शासन में विश्वास करते थे। इट रिडिक्यूल ब्लाइंड फेथ। ही कॉल्ड द चर्च एन इनफेमस थिंग। वे चर्च को एक अलोकप्रिय वस्तु मानता था। ही इंसिस्टिगेटेड द पीपल टू डिमांड रिफॉर्म। उसने लोगों से इन सुधारों की मांग की। वॉलंटियर अटैक द ट्रेडिशन बिलीव एंड एब्यूज थ्रो स्टाइल्स वर्स प्रोज हिस्ट्री ड्रामा एंड रोमांस यानी कि वॉलंटियर ने पुरानी प्रथाओं विश्वासों अंधविश्वास को कविताओं गद्य इतिहास नाटकों के माध्यम से पेश किया। द चर्च इन फ्रांस वॉज द मेन टारगेट ऑफ हिज अटैक। चर्च जो था उनका मेन टारगेट था अटैक करने का कि जिनकी उसने आलोचना की। ही डिक्लेयर सिंस वी आर ऑल स्टीप्ड इन एरर्स एंड फुलिश। उसने कहा अगर हम लोग सभी गलतियां करते हैं तो वी मस्ट फॉरगिव ईच अदर तो हमें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। वर्शिप गॉड भगवान की पूजा करनी चाहिए एंड बी गुड मैन और एक अच्छा आदमी बनना चाहिए। नाउ रूसो गेव हिज आइडिया इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने अपने जो विचार हैं अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिए। He maintained the people were real master of the state and the king ruled with their consent. यानी कि उसने जो लोगों को सच्चे मालिक कहा, राज्य को जो मालिक होता है रियल मास्टर कहा और जो राजा है उनकी इच्छा अनुसार जो है काम करेगा। Under the influence of writing of Rousseau, the people of France began to agitate for a revolution. इसलिए जो रूसों ने है लोगों रूसों के विचारों का लोगों पर प्रभाव पड़ा और उनको क्रांति के लिए प्रेरित किया। Somebody has rightly said, but for Rousseau there would be no French Revolution. कुछ लोगों ने कहा कि रूसो के लिए मतलब कि फ्रांस की क्रांति नहीं होनी चाहिए। He declared that all political organization were tyrannical and open to abuse. उसने कहा कि जो सभी राजनीतिक संगठन हैं वो अति कष्ट देने वाले हैं और दुर्व्यवहारी हैं। मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर इज चेन। उसने कहा मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर समय वो हर जगह पर जंजीरों से बंधा है। ही क्लेम थर्स बेसिस
द आइडिया ऑफ सोवर्निटी ऑफ द पीपल, यानी उसने लोगों को साम्राज्य का अधिकारी बताया, सोवर्निटी ऑफ द पीपल साम्राज्य का अधिकारी बताया। नाउ अदर फिलोसफर्स, यानी कि दूसरे दार्शनिक, बिसाइड दीज देयर वर अदर फिलोसफर्स सच एज डिडॉट्स, डी एल्बर्ट्स, जॉन लॉक एक्सेट्रा, एंड वो फेम द फ्लेम ऑफ न्यू आइडियाज, जिन्होंने क्रांति को नए विचार दिए। इन हिज बुक, उनकी किताब में टू ट्रेजडी ऑफ गवर्नमेंट्स लॉक एफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट एंड डिवाइन किंगडम, जिन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों और स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया। नाउ रोल ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी, जयपाल मार्ट, ही वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, वह एक डॉक्टर थे। फॉर ए टाइम ही वॉज इन सर्विस ऑफ काउंट ऑफ एस्टोर, यानी उन्होंने काउंट ऑफ एस्टोर में सर्विस की। ही एडिटेड ए न्यूज़पेपर कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ द पीपल, उन्होंने एक समाचार पत्र का संपादन किया। फ्रेंड ऑफ द पीपल, ही वॉज अ बिटर ओपोनेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड मोनार्की, वह जो था तानाशाही और स्वेच्छाचारी शासन का कट्टर विरोधी था। थ्रो हिज न्यूज़ पेपर ही अटैक द क्लेर्जी, नोबल एंड कोर्ट एंड नेशनल असेंबली, उसने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से क्लेर्जी, नोबल्स और कोर्ट और नेशनल असेंबली पर प्रहार किए। मार्ट वॉज एंडोर्ड विद वायलेंट रेवोल्यूशनरी थॉट, उसके जो थे हिंसात्मक विचार थे। ही लव द पीपल एंड दे लव हिम, वे लोगों को प्यार करता था और लोग उसे प्यार करते थे। मीराबाई, ही वॉज अ मैन ऑफ इंस्टिंक्ट एंड इनसाइट, यानी कि ये यूरोप का, वह एक सहज वृत्ति और दूरदर्शी वाला व्यक्ति था। ही वॉज अ चैम्पियन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, वह फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैम्पियन था। ही वॉज नोन एज ए वाइज डेयर डेविल इन डिकेंट्स सोसाइटी, यानी कि उसे क्रांति का चैम्पियन माना जाता था। वह साहसी व्यक्ति था और क्षय होने वाले समाज, यानी जो समाज नष्ट होने वाला था, उसका बुद्धिमान व्यक्ति था। मीराबाई बिलोंग टू नोबेल्टी, ये नोबेल्टी से दूसरे ग्रुप से संबंधित था। एंड वॉज इलेक्टेड टू द थर्ड स्टेट इन 1789, और थर्ड स्टेट के लिए 1789 में सेलेक्ट हुआ। ही वॉज अ मॉडरेट एंड डिड नॉट एग्री विद एक्सट्रीम व्यूज ऑफ जैकोबिन्स, वह आधुनिक विचारों को मानने वाला था और पुराने विचारों के खिलाफ था, जैसे जैकोबिन्स। ही विश टू फॉलो द ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वह क्या चाहता था कि देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आए। इन फ्रांस ही डाइड इन 1791, फ्रांस में वह 1791 में मर गया। नेक्स्ट डेंटन, ही वॉज द सन ऑफ ए फार्मर, वह एक फार्मर का बेटा था। ही वॉज ए स्किलफुल डिबेटर एंड ऑरेटर, वह एक अच्छा वक्ता था और भाषण देने वाला था। ही प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द जैकोबिन क्लब, यानी कि उसने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा किया। डेंटन केम टू द फोरफ्रंट इन द अर्ली डेज ऑफ रेवोल्यूशन एंड शो हिज वॉट विद ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि वो क्रांति के शुरुआती दिनों में आया और उसने इस क्रांति में अपनी अहम भूमिका निभाई। ही प्लेड एन एक्टिव रोल इन पेरिस कॉमन, उसने पेरिस में जो है अपनी अहम भूमिका निभाई। ही डिक्लेयर, उसने डिक्लेयर किया, उसने बताया, माई एम इज टू डिस्ट्रॉय एनिमी ऑफ फ्रांस, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि फ्रांस की जो दुश्मनों को समाप्त करना, एंड एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और यानी समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ही वॉज क्लेटियन इन 1795, यानी उसको गला काट कर 1795 में मार दिया गया। नाउ इमीडिएट कॉज, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रा रेवेंस ऑफ लुई 16, द एंड चेकर वॉज एम्प्टी, लुई 16 के फिजूल खर्चों के कारण जो उसका खजाना था खाली हो गया। बट मनी वॉज नीडेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि शासन को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इन ऑर्डर टू कलेक्ट मनी, मनी को इकट्ठा करने के लिए द किंग कॉल्ड एन असेंबली ऑफ एमिनेंट पर्सन, तो राजा ने एक सभा बुलाई। द असेंबली फोर्थ सजेशंस टू सेव द कंट्री फॉर फाइनेंशियल बैंकरप्टी, तो राजा ने इसमें सलाह मांगी कि देश को इस संकट से कैसे बचाया जाए।
दैट द रिच शुड बी टैक्सीज, इसमें कहा गया कि अमीर लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, बट दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू रिच पीपल, लेकिन ये जो था अमीर लोगों को मंजूर नहीं था। दे सेड दैट कुड बी टैक्स ओनली द स्टेट जर्नल, वे कहते थे कि केवल स्टेट जर्नल ही टैक्स देंगे। सो द किंग हैड टू कॉल्ड ए सेशन ऑफ स्टेट जर्नल, इसलिए राजा ने स्टेट जर्नल की सभा बुलाई। द सेशन वॉज कॉल्ड इन 1789, इवन थ्रो दे वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल स्टेट, जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि आए। द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट्स वर ग्रेटर इन नंबर, जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो ज़्यादा संख्या में थे। दे आस्क्ड फॉर वन रिफॉर्म आफ्टर अनदर, वो एक सुधार के बाद दूसरा सुधार चाहते थे। इन द एंड द किंग हैड टू सरेंडर बिफोर देम, लास्ट में जो है राजा ने अपने हथियार डाल दिए। और therefore it would be proper to say that the French Revolution exploded as a result of the session of स्टेट जर्नल, मतलब कि इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति का विस्फोट स्टेट जर्नल के सेशन का एक कारण था। Now forces of the revolution, the स्टेट जर्नल चेंजेस इनटू ए रियल नेशनल असेंबली, स्टेट जर्नल जो थी राष्ट्रीय सभा में बदल गई। व्हेन द किंग डिसाइड टू समन द स्टेट जर्नल, जब राजा ने स्टेट जर्नल के लिए समन जारी किया तो देर वॉज ए पोलिटिकल एक्साइटमेंट इन द कंट्री, तो सारे देश में राजनीतिक उत्साह आ गया। कॉमन्स वर एबल टू ऑब्टेन ट्वाइस एज मैनी मेंबर्स एंड बोथ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नोबेल्टी एंड क्लेर्जी पुट टुगेदर, इसमें जो नोबेल्टी और क्लेर्जी प्रतिनिधि थे वो इकट्ठे हो गए। प्रीवियसली द कस्टम वास फॉर ईच अदर टू वोट सेपरेटली, यह रिवाज था कि जो अलग जाति से संबंध रखता था वो अलग अपना वोट देते थे। बट ऑन जून 1789 द थर्ड स्टेट द कॉमन डिक्लेयर दैट इट वॉज द नेशनल असेंबली एंड इन्वाइटेड अदर टू ऑर्डर, ये एक राष्ट्रीय सभा थी, इसमें दो आदेश निकाले गए थे नोबल्टी और क्लेर्जी टू ज्वाइन, इसमें शामिल हो सकते हैं। द किंग वांटेड टू प्रिवेंट दिस, लेकिन राजा जो इससे बचना चाहता था, ही देयरफॉर एक्सपेल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट फ्रॉम द हॉल एट वर्साइल, उसने सारे प्रतिनिधियों को वर्साइल के हाल से भगा दिया। बट द कॉमन मूव टू द एडजॉइनिंग टेनिस कोर्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ मीरा, उसके बाद कॉमन यानी सामान्य लोगों ने टेनिस कोर्ट नेता के नेतृत्व में मीरावियक्स टुक एन ओथ नेवर टू अलाउ देम टू डिसॉल्व अंटिल दे एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, मतलब कि जो मीरावेक था, जो एक दार्शनिक था जिसने कि सारी कुप्रथाओं को समाप्त करने की शपथ ली और भारतीय संविधान को फ्रांस में स्थापित करना चाहा। द कॉमन्स वर ड्रिवन आउट ऑफ टेनिस कोर्ट एंड दे मेट इन द चर्च ऑफ वर्साइल, उसके बाद कॉमन लोगों को टेनिस कोर्ट से भी निकाल दिया गया और उसके बाद वो वर्साइल की चर्च में जा मिले। व्हेन द कोर्ट अंडरस्टूड द रियल टेंपर ऑफ द पीपल, इसके बाद जो कोर्ट लोगों के असली गुस्से को समझ पाई। द किंग अलाउ द नोबल क्लेर्जी ज्वाइन द कैंप कॉमन्स, इसलिए राजा ने आदेश दिया कि नोबल और क्लेर्जी जो है कॉमन्स ज्वाइन कर सकते हैं। थस द थर्ड स्टेट जर्नल बिकम द रियल नेशनल फॉर फ्रांस, इसलिए जो थर्ड जर्नल था वो नेशनल असेंबली फ्रांस का सदस्य बन गया। ओरिजिन ऑफ द रेवोल्यूशनरी कॉमन्स ऑफ पेरिस द नेशनल गार्ड, द नेक्स्ट सीन ऑफ द रेवोल्यूशन वाज पेरिस, दूसरा जो क्रांति का दृश्य है वो पेरिस का है। द रेवोल्यूशनरी इन द पेरिस ओवरथ्रू द म्यूनिसिपल गवर्नमेंट एंड सेट अप रेवोल्यूशनरी कॉमनल ऑफ पेरिस, उन्होंने पेरिस में से जो पुरानी म्यूनिसिपल सरकार थी उसको उखाड़ फेंका और उसकी जगह पर क्रांतिकारी कॉमनल ऑफ पेरिस की स्थापना की। इट्स लीडर वर मॉब अराइजिंग ऑरेटर लाइक मार्स कैमलिन एंड डेस्मोलिन, यानी कि उनके जो नेता थे मॉब्स, वो एक अच्छे वक्ता भी थे यानी वो भाषण देते जिसमें मार्ट कैमलिन आदि थे। द रेवोल्यूशनरी कॉमनल एस्टेब्लिश ए रेवोल्यूशनरी पुलिस फोर्स, यानी कि इन क्रांतिकारी संगठनों ने एक रेवोल्यूशनरी पुलिस फोर्स स्थापित की नेशनल गार्ड अंडर लेफियर्स,
के नेतृत्व में। अदर सिटीज इन फ्रांस इमिटेटेड द एग्जाम्पल ऑफ पेरिस, यानी कि दूसरे फ्रांस के दूसरे शहरों में पेरिस का उदाहरण दिया जाता था। द स्टॉर्मिंग ऑफ ब्राजील, यानी ब्राजील में तूफान, July 14, 1789। एट अ टाइम वेन द रेवोल्यूशनरी एलिमेंट्स वर गेटिंग स्ट्रोंगर इन द कैपिटल, ये उस समय की बात है जब राजनीतिक गतिविधियां फ्रांस में बहुत ज़्यादा तेज थी। Louis XVI डिसमिस द पॉपुलर मिनिस्टर नेकर, इस Louis XVI ने अपने मंत्री को हटा दिया। देयर अपॉन द पर्शियन मूव अटैक द ब्राजील, इसके बाद जो पर्शियन मूव थे उन्होंने ब्राजील पर आक्रमण कर दिया। एंड रिलीज आर द प्रिजनर्स, और सभी अपने कैदियों को छुड़वा लिया। द ब्राजील वाज द ओल्ड स्टेट प्रिजन एंड वाज प्राइमरी सिंबल ऑफ रॉयल ट्रायनी, मतलब कि ब्राजील वाज द ओल्ड स्टेट प्रिजन, ब्राजील एक पुराना किला था, मतलब कि जिसका एक प्राइम सिंबल क्या था, राजा की क्रूरता। द स्टॉर्मिंग ऑफ ब्राजील यर्स द डॉन ऑफ फ्रीडम, स्टॉर्मिंग ऑफ ब्राजील यानी कि ब्राजील में जब ये स्टॉर्म आया तो इस पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंका। हैंस इवन टुडे फ्रांस सेलिब्रेटेड July 14 एज नेशनल फेस्टिवल, यहाँ तक कि आज तक फ्रांस में 14 जुलाई का दिन नेशनल राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। नाउ द एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस July 4, 1789। मीन वाइल इन द नेशनल असेंबली नोबल्स एंड क्लेर्जीमैन वॉलेंट्री गेव अप देयर स्पेशल प्रिविलेज, यानी कि नेशनल असेंबली में नोबल्स क्लेर्जीमैन इन सबको विशेष अधिकार दिए गए थे। थस द फोर्ट्रेस ऑफ फेडरलिज्म कोलैप्स एंड विद द फॉल ऑफ द ब्राजील, विशेषाधिकार राष्ट्रीय सभा में इनको दिए गए थे, इसलिए किले में जो है संघीय अव्यवस्था जो है बिल्कुल समाप्त हो गई विद द फॉल ऑफ ब्राजील, ब्राजील के पतन के साथ ही। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन ऑन August 12, 1789, यानी प्रिपरेटरी टू फ्रेमिंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल असेंबली इश्यूज द डिक्लेरेशन राइट ऑन अमेरिका मॉडल, यानी एक राष्ट्रीय सभा में अमेरिका के मॉडल की तरह इन्होंने हमारे कुछ अधिकार बताए नागरिकों के। द डिक्लेरेशन प्रोक्लेम दैट ऑल मैन बीइंग बोर्न इक्वल शुड हैव बीन इक्वल एट, कि सभी मनुष्य एक समान पैदा हुए हैं और सभी के एक समान अधिकार है। द फॉलोइंग राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वर डिक्लेयर बाय द नेशनल असेंबली। द रॉयल फैमिली टेकन टू पेरिस October 6, 1789। द पर्शियन मॉब वॉन्टेड द किंग एंड क्वीन टू बी अंडर देयर कंट्रोल, जो पर्शियन मॉब थे वो राजा और रानी को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, अपने कंट्रोल में। हैंस द मॉब मार्च टू वर्साइल्स एंड ब्रॉट द किंग एंड क्वीन टू पेरिस, मॉब जो थे उन्होंने वो पेरिस वर्साइल की तरफ गए और राजा और रानी को अपने साथ पेरिस ले गए। देवर प्लेस्ड इन द पैलेस ऑफ ट्यूलियर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल गार्ड, जो उनका महल था वो नेशनल गार्ड की प्रोटेक्शन में रखा गया। द पैलेस ऑफ वर्साइल वर डेस्टिनेट नेवर अगेन टू बिकम द रेजिडेंस ऑफ एनी किंग ऑफ फ्रांस, मतलब कि उन ब्राजील नामक स्थान पर जो राजाओं का कभी स्थान होता था वहाँ अब राजाओं का महल नहीं बना, फ्रांस के राजाओं का महल नहीं बना। नाउ नेशनलाइजेशन ऑफ चर्च प्रॉपर्टी November 2, 1789। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इन नीड ऑफ मनी, यानी संविधान सभा को पैसों की जरूरत थी। टैक्सेस कुड नॉट बी कलेक्टेड, टैक्सेस को इकट्ठा नहीं किया जा रहा था। लोन डिड नॉट ब्रिंग इन लार्ज सम ऑफ मनी, और जो लोन है वो ज़्यादा पैसों के नहीं दिए जा रहे थे, यानी कि ज़्यादा मात्रा में नहीं दिए जा रहे थे।
So it nationalized the church property and issued currency note now assignates on security of church property. इसलिए उन्होंने चर्च की प्रॉपर्टी को चर्च की प्रॉपर्टी का राष्ट्रीयकरण किया और नए करेंसी नोट जो असाइनेट के नाम से जारी किए गए. दिस असाइनेट वर इश्यू इन ए इन सच अ लार्ज नंबर ऑफ दैट दे सून बिकम वर्थलेस. ये बहुत बड़ी संख्या में जारी किए गए लेकिन जल्दी ही ये मूल्यहीन हो गए. वर्थलेस मीन मूल्यहीन. नाउ द एंटी रिलीजन एलिमेंट्स इन नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोड्यूस द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लेर्जी. उसके बाद कुछ अधार्मिक तत्वों ने राष्ट्रीय सभा के पादरियों के लिए संविधान बनाया. बाय दिस ऑल द क्लेर्जी वर टू बी पेड एज सर्वेंट ऑफ द स्टेट. मतलब कि इन क्लेर्जी को सर्वेंट्स के रूप स्टेट के सर्वेंट्स के रूप में रखा गया था. वर टू टेक और टू सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. और इन्होंने संविधान को सपोर्ट करने की शपथ ली थी. द पोप कंडेम्ड द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन. जो पोप है वो नागरिक संविधान की निंदा करते थे. वन सेक्शन ऑफ द पीपल सपोर्टेड द पोप. एक जो समूह था इनको सपोर्ट करता था एंड अपोज द रेवोल्यूशन और दूसरा इनका विरोध करता था. नाउ द फ्लाइट ऑफ ए फ्लाइट ऑफ रॉयल फैमिली जून 20 टेकिंग एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग ऑपोजिशन इन फ्रांस टू द रेवोल्यूशन. द किंग एंड क्वीन एस्केप फ्रॉम पेरिस ऑन द नाइट ऑफ जून 20, 1791 सो दैट दे माइट प्लेस देमसेल्फ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ बुली अ रॉयलिस्ट जर्नल हु वाज ऑन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ फ्रांस. में क्या हुआ कि फ्रांस में विरोधी क्रांतिकारियों का लाभ उठाकर राजा और रानी वहां से भाग गए और इनकी जो सपोर्ट की वो एक जर्नल था रॉयलिस्ट जर्नल था जिन्होंने इसे भगाने में मदद की. बट व्हेन दे रीच वर्ने इन द मॉर्निंग ऑफ जून 21 विद इन 20 माइल्स इन द ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ फ्रांस जो कि 21 मील दूर था फ्रांस से. दे वर डिस्कवर अरेस्टेड एंड ब्रॉट बैक टू पेरिस. उनको खोज लिया गया उनको अरेस्ट कर लिया गया और वापस पेरिस लाया गया. द किंग एंड क्वीन वर कंसीडर्ड डेस्टर्स एंड एनिमी ऑफ रेवोल्यूशन. राजा और रानी को भगोड़े घोषित किया गया. डेस्टर्स का मतलब होता है भगोड़े. एनिमी ऑफ द रेवोल्यूशन और क्रांति के शत्रु माना गया. दीज रेवोल्यूशनरी इन कर्स ऑफ टाइम टूक एडवांटेज ऑफ फ्लाइट ऑफ वेरेना. मतलब कि इसका पूरा लाभ जो है फ्लाइट ऑफ वेरेना ने लिया टू एबोलिश मोनार्की एंड एस्टेब्लिश ए रिपब्लिक. उन्होंने तानाशाही को समाप्त किया और गणतंत्र को स्थापित किया. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791. आफ्टर द किंग एंड क्वीन वर ब्रॉट बैक टू पेरिस. जब राजा और रानी पेरिस वापस आ गए द नेशनल असेंबली प्रोड्यूस ए कॉन्स्टिट्यूशन. तो नेशनल यानी राष्ट्रीय सभा ने एक संविधान बनाया. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 द किंग वॉज रिटेन एज द हेड ऑफ स्टेट बट ही वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ मोस्ट ऑफ हिज पावर. मतलब कि वह राज्य का मुखिया तो था लेकिन उससे जो सारी शक्तियाँ छीन ली गई. देर वॉज टू बी सिंगल चैम्बर पार्लियामेंट. यानी कि सिंगल चैम्बर बनाया गया पार्लियामेंट का जिसमें 750 मेंबर थे. एज द लाइफ ऑफ असेंबली वॉज टू बी. मतलब कि उस असेंबली की जो कार्यकाल था वो 2 वर्ष का था.